तो दोस्तों हार्दिक पांड्या जो कि अभी नए नए कप्तान बने हैं और उनके सर पे T20 फॉर्मेट का जिम्मा साधा गया और जो कि वो अभी अच्छा प्रदर्शन भी कर भी रहे हैं, जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं हारे, पर श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20I में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नजर आए क्योंकि अभी उनकी टीम के सभी बॉलर बेकार प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा रन कंसीड कर रहे थे, जिसमें कि हरदीप सिंह ने केवल 2 ओवर डाले और उसी में उन्होंने 40 रन खा लिए, जिसमें कि 5 नो बॉल डाली गई उनके द्वारा केवल 12 गेंदों के अंदर। और वहीं पर उमरान मलिक, जिनका पहला ओवर काफ़ी ज़्यादा महंगा रहा था, पर दूसरे और तीसरे ओवर में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी और चौथे ओवर में भी वो महंगे साबित हुए और साथ ही साथ 22 रन खाते हुए उन्होंने भी एक नो बॉल जरूर डाल दी अपने ओवर के दौरान, और जो कि हरदीप सिंह ने अपनी आखिरी नो बॉल डाली और वो नो बॉल पे आउट हो चुका था श्रीलंका का कप्तान, जो कि 50 रन के बहुत नज़दीक था, तो उसके बाद वो बॉल नो बॉल करार दी गई, जिसके बाद हार्दिक पांड्या अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और हरदीप सिंह के ऊपर गुस्सा जताने लग गए, जो कि हरदीप सिंह का ये मैच काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहा। और इससे पहले भी एक बार हरदीप सिंह पे काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए गए थे और क्या अब दोबारा आरोप लगाए जाएंगे उनके ऊपर, जो कि उनकी बॉलिंग फिगर काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आई है और साथ ही साथ जो कि उनके पैर बार बार लाइन के आगे जा रहा था, जिसकी वजह से 5 नो बॉल केवल 12 गेंदों के अंदर, आज तक ऐसा रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं बनाया। T20 फॉर्मेट में हरदीप सिंह बन चुके हैं सबसे ज़्यादा नो बॉल डालने वाले गेंदबाज और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या जो कि इतने शांत स्वभाव के हैं और अपनी नई युवा टीम तैयार कर रहे हैं T20I फॉर्मेट के लिए, तो उनका इतना ज़्यादा नाराज होना और अपने कप्तान को हरदीप सिंह ने इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, जो कि वो MS धोनी के बाद सबसे शांत कप्तान माने जा रहे थे हार्दिक पांड्या, वो भी उनके ऊपर गुस्सा करते हुए नजर आए और फील्ड पे वो बहुत ही ज़्यादा निराश नजर आए, जो कि अपने बॉलिंग प्रदर्शन से हरदीप सिंह खुद भी खुश नहीं थे। तो आपको क्या लगता है, हरदीप सिंह को आगे आने वाले मैचों में मौका मिलेगा या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। और साथ ही साथ टीम इंडिया से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको कर लें टच और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।